हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस आई होप आप सही होंगे। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने एक्सप्लोर किया था नेदर फोर्ट्रेस को, और गाइस इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं अपना नया घर जो कि बहुत ज़्यादा ओपी होगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो मैं AFK हूं, क्योंकि मैंने अभी ये हाल ही में फार्म बनाया था। आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा भी दिया था, या पिछले के पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये फार्म मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो गाइस फटाफट से चलते नीचे। यस, बहुत इजी। चलो गाइस, तो अभी हमें फटाफट से क्या करना है ना, अपना घर का एक लोकेशन चूज़ करना है, बहुत ही अच्छा वाला, प्यारा वाला लोकेशन चूज़ करना है। तो लोकेशन चूज़ करने से पहले लोकेशन कहाँ चूज़ किया जाए? हाँ, ये लोकेशन सही, क्योंकि यहाँ पे ना शुगर केन फार्म का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाया हुआ है। तो इसको फटाफट से कैसे काम करते हैं ना, इसको फटाफट से क्लियर कर देते हैं यहाँ पे ना डर्ट। ओके गाइस, ऑल डन, जगह पूरा साफ हो चुका है, और यहाँ पे हमें पहले डर्ट भी भरना है। तो एक काम करते हैं, बहुत सारे शुगर केन जमा हो चुके हैं, तो इसको मैं फटाफट से जाके इसके चेस्ट में रखवा लेता हूँ। ओके गाइस, सब चीज़ें मैंने रखवा दी है। अब फटाफट से चलते हैं, कुछ डर्ट लाते हैं और डर्ट भी लगा देते हैं, ताकि ये एरिया पूरा प्लेन हो जाए, और बाद में नेदर चाहते, क्योंकि ये पूरा घर बनेगा हमारा नेदर क्वार्ट्स का। तो डर्ट शायद रखवा दिया होगा मैंने इसमें, हाँ डर्ट, जब मैंने एरिया प्लेन किया था। और हाँ गाइस, पिछले वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया था कि नेदरराइट शॉवल कहाँ से है। तो गाइस मैंने क्या किया था, क्रिएटिव कहते हैं, क्योंकि ये जो आप पूरा एरिया फ्लैट देख रहे हैं ना, ये उसी की बदौलत हुआ है उसमें, क्योंकि एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग जो स्पीड लगी थी ना, वो फट से हो गया था। वही अगर मैं नॉर्मल, मेरे पास आयरन का था, लेकिन उससे करता तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने कर दिया। मतलब मजबूरी समझो यार, ये सब नॉर्मल है, बहुत सब लोग क्रिएटिव यूज़ करते हैं। आपको क्या लगा, आप भी यूज़ करते होंगे मुझे लगता है, कमेंट करके बताना। जो लोग दिल पर हाथ रख के बोलना गाइस। ऑल डन गाइस, गाइस मैंने पूरा प्लेन कर दिया इस एरिया को। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये इसको भी थोड़ा कुछ इस तरीके से इतने एरिया में मैं ले जाऊँ, यानी और पीछे कर दूँ, और ये पम्पकिन फार्म को क्या करूँ, पम्पकिन फार्म को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्पेशली ना गोलम के बनाता था। तो इसको मैं फटाफट से लिखा लेता हूँ, एक यहाँ से कर देते हैं, और सीड भी कुछ तोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं है। अरे ये भी कैसे तोड़ दिया, हाँ अरे यार डर्ट 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 चाहिए, हाँ। और ये लगाया ऐसे, अब क्या करूँगा ना, सब पे अगर कूद कूद के ये तो सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं तो कहते काम करते हैं, मैं ये पूरा एरिया को ना ठीक करके आता हूँ एक बार। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके यार। तो मैं डर्ट भी लेके आ चुका हूँ, और मुझे क्या करना है ना, इस एरिया को ये एरिया को मैं सोच रहा हूँ ना कुछ डेकोरेट कर दूँ, या अगले वीडियो में, अगले वीडियो से पहले इसको मैं डेकोरेट, और ये कर दो बंद। अब क्या हो जाएगा ना, इसके बगल वाला एरिया भी ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे ऐसे, हाँ ये वाला भी ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ये सूख जाएगा, तो ये पूरा बंजर हो जाएगा ज़मीन। तो इसको फटाफट से फिर जाता हूँ, रखवाना पड़ेगा, अभी रात भी हो गई, तो गाइस चल के सो जाते हैं अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे कि आप सब देख रहे हैं सुबह हो चुकी है, एक नई ताज़ी ताज़ी सूरज के साथ। एक खाना खाना चाहिए, खाना चाहिए,
अभी कुछ बैल बकरियों को भी मारना है ताकि उनसे खाना मिले। तो गाइस हाँ, अब हमें बनाना है घर। तो घर बनेगा कुछ नेदर क्वार्ट से और कुछ डेकोरेटिव ब्लॉक से। अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अभी मेनली क्वार्ट ब्लॉक और कुछ। तो देखो गाइस, मेरे पास अभी एक स्टैक और एक 20 नेदर क्वार्ट्स हैं, लेकिन इतने में घर थोड़ी ना बनेगा। तो हमें चाहिए कुछ नेदर क्वार्ट्स के ब्लॉक और कुछ डेकोरेटिव ब्लॉक्स चाहिए। जैसे ब्लॉक्स में क्या क्या होगा, रुको जरा मेरे को देखने दो। कॉपर के ब्लॉक शायद सही लगेंगे। ये ग्रेनाइट किसे बनता है? पॉलीडेंडेसाइट। डीप स्लेट का बनाते हैं गाइस, डीप स्लेट और क्वार्ट्स का, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ब्लॉक ऑफ कोल का तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, अपना घर बनेगा नेदर क्वार्ट्स और डीप स्लेट के, क्योंकि डीप स्लेट के ब्लॉक भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पॉलिश खास करके डीप स्लेट। तो फटाफट से नेदर चलते हैं और सब माइन करके लाते हैं। एक सेकेंड मैं, अरे यार एंडरपल भी चाहिए मेरे को, एंडरपल बहुत काम आता है। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं नेदर पोर्टल की ओर। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं नेदर में और यहाँ पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पिगलिन है। और यार मैं गोल्ड नहीं लेके आया ना, अभी गोल्ड नहीं लेके तो मारेंगे सब, और खाना है नहीं फालतू का। मुझे लगता है ना गाइस, मेरे को एक गोल्ड का ना वो बनाना चाहिए, आर्मर। या होगा आर्मर, पता होगा मुझे ख्याल से। तो ओके गाइस, मैं कुछ खाना और गोल्डन हेलमेट के साथ आ चुका हूँ। तो गाइस फटाफट से चलते हैं नेदर पोर्टल और अब चलते हैं कुछ नेदर क्वार्ट्स को इकट्ठा करने। और हाँ, मुझे देख के चलना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने वहाँ पे कुछ नमूने पिगलिंस को अगर मैंने मारा ना, तो ये मेरा कुत्ता बना के मारेंगे मेरे को। पहले मुझे यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा। एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत डैमेज खाना ही पड़ेगा क्योंकि ना, अरे यार मैंने यहाँ पे ना सिस्टम नहीं बनाया यार अच्छा, नीचे उतरने का और चढ़ने का। तो ये है नेदर क्वार्ट्स गाइस, बता दूँ जिसको नहीं पता। वैसे सबको पता हो गया, सब गेम खेलते हैं ये वाला, कौन नहीं खेलता। तो इसको फटाफट से तोड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ चलो, और यहाँ से चलो चलते हैं नीचे। ए मारना मत, अबे मार मार क्यों रहा है? ये ले, मार मत ना भाई, डैमेज कितना गंदा। मेरे पास ऐसे ही कभी खाना, ये तो बस खाना खत्म हो गया मेरे पास। अभी मेरे पास वेज है, और वैसे बता दूं मेरे को वेज ही पसंद है, लेकिन नॉन वेज इसमें ना बहुत अच्छा देता है। और गोल्ड, ये भी इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ तो मैं क्या कर रहा था ना, तो यहाँ से ओए ओए देखो, एक गाय से काम करते हैं फटाफट से ना, ये नेदर इकट्ठा करके बिल्ड करके चलते ऊपर। क्या सच्ची में यार, मैं समझता था नेदर इतना अच्छी जगह यार, हल्के में मैंने ले लिया नेदर को। सॉरी नेदर भाई, आपको हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए बताऊं बीस्ट बस बार बार मरता था इस। चलो कोई नहीं, चलते हैं ऊपर, यहाँ से भी खत्म मेनली। ओए धक्का मत दो यार, पहले पोर्क चॉप खा के चलते हैं क्योंकि मेरे को बकवास चीज़ लगती है। हाँ तो यहाँ, ओ यहाँ पे कुछ है क्या? देखिए सेकेंड, ओ भाई नहीं, नीचे भी क्वार्ट्स है। कोई नहीं गाइस, ये भी इकट्ठा कर लेते हैं। फॉर्च्यून 3 है तो बहुत अच्छे से इकट्ठा होगा। अरे उधर भी है, बहुत सही। ये भी आ जा। और हाँ, इनके ऊपर मेरा हथियार नहीं चलना चाहिए, नहीं तो जब इनका हथियार मेरे ऊपर चलेगा ना, तो हवा टाइट, चाहे वो बंदा नेदराइट में क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग भाई झुंड में घूमते हैं। यहाँ से नीचे आना चाहिए क्या? चलो चलते हैं नीचे, कौन डैमेज लेके चलता है। और यहाँ पे एमएलजी तो होगी भी नहीं। हाँ तो ये भी तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया, ये भी तोड़ लिया। उधर भी क्वार्ट्स है लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। ओ यहाँ पे भी क्वार्ट्स है, बहुत सही। तो गाइस एक काम करता हूँ ना, मिलता हूँ आपसे कुछ क्वार्ट्स को इकट्ठा, ओह माय गॉड, हाँ कुछ क्वार्ट्स को इकट्ठा करने के बाद।
ओके यस, कुछ मैंने क्वार्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं, नेदर क्वार्ट्स, लेकिन इतने में मेरे ख्याल से काम नहीं बनेगा क्योंकि अपना घर ना थोड़ा लग्जरी बनेगा यार। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, देखते हैं और कोई और जगह क्वार्ट्स है। ये क्वार्ट्स, अरे अपना नेदर पोर्टल कहाँ गया? वो रहा नेदर पोर्टल। ठीक है ठीक है, अरे यहाँ पे भी है क्वार्ट्स, बहुत सही। अरे बहुत है यार। एक्सपी आ भी रही है मेरे पास, मेरे को नहीं लग रहा। सारा एक्सपी तो मेरा लग रहा है मेंडिंग खा रहा है। और यहाँ पे मेरे को वो नहीं मिल रहा यार, हॉगलिन, हॉगलिन तो बहुत दिखते हैं यार यहाँ से। यार ये थोड़े, ये थोड़े, ये थोड़े गोल्ड भी तोड़ लेते हैं, काम आता है ट्रेड करने में ब्रूट से। अरे इसको सब देख के करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ये पहले बिछा लेते हैं, नहीं तो अगर मैं गिरा ना मैं मरना ही। छू गया छू गया छू गया, कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास टोटम ऑफ पंडाइंग हुए गाइस, तो चिंता की बात नहीं, मेरे पास दो दो हो गए क्योंकि मैंने फिर से एक बार रेड करवाया, फिर से एक बार मारा। लेकिन आप लोग कहेंगे क्रिएटिव वाले भाई, क्रिएटिव नहीं यार, क्रिएटिव नहीं। मैं आपको सबूत दिखा दूंगा एक बार कि हाँ मैंने मारा सच्ची में, क्योंकि ये लोग ना कभी कभी आ जाते हैं। अब वीडियो में नहीं आएंगे देखना अभी, लेकिन मैं जब खेलूंगा तब आएंगे अभी। और हाँ क्यू एन ए वीडियो आएगा 1000 सब्सक्राइबर्स पे, जैसे कि मैं बता दूं। यार यहाँ पे क्वार्ट्स ही क्वार्ट्स है, बेडरॉक एडिशन में नहीं दिखता मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा, कि दिखता है गाइस कमेंट करके बताना तो ज़रा, कि बेडरॉक एडिशन में इतने क्वार्ट्स तो मेरे को दिखे नहीं आज तक। मैं पॉकेट खेलता था इससे पहले। देखो तो यहाँ से चढ़ के ऊपर चलते हैं, जितने क्वार्ट्स है ना सब इकट्ठा कर लेते हैं, उसका ब्लॉक्स बना के चलते हैं। तो गाइस आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। एक सेकंड, घास की आवाज़ कहाँ से आई? देखो इसको भी मार के जाएंगे, घास टीयर इकट्ठा करेंगे। रुको अभी, बहुत परेशान करती है आंटी, आंटी बुलाते हैं इसको प्यार से, घास आंटी। और दिख गई क्या? ओरी ओरी, वो वहाँ पे छिपी हुई है, वहाँ पे ड्रॉप की है। अरे वहाँ पे वो है, देखो तो पहले खाना खा लूँगा, बहुत डैमेज पड़ा है गंदा वाला। अरे यार लावा नीचे कहाँ से आ गया? हाँ ओके, तो इतना तो काफी है। उधर तो मैं जाऊंगा ही नहीं क्योंकि ये, अरे एक और घास आंटी दिखी। हाँ ये तो मैगमा क्यूब है। चलो गाड़ी, अपना पोर्टल कहाँ गया? दिख नहीं रहा है बिल्कुल जरा। यहाँ से हाँ कहाँ गया पोर्टल, बोरा पोर्टल, और उधर भी है, दिख गया मेरे को। हाँ फिर कितने हो गए जमा? इतने इतने सारे हो गए, और इकट्ठा करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी और क्वार्ट्स मिल गए, इसको भी तो फटाफट से तोड़ लेते हैं। घास टांडी का तो बहुत आवाज आ रहा है, दिखती तो एक बार भी नहीं है। और ये गुफा जा रही बहुत खतरनाक वाली, ये तो अच्छा, ये तो मैं वापस नहीं गई वो वाली गुफा में आ गया। वो सामने भी एक और गाइस दिख गया, चलो फटाफट से वहां पे चलते हैं। लालच तो बहुत आ रही है, लेकिन लालच बुरी भला है। हाँ तो है, यहाँ से भी तोड़ लेते हैं। ये लो 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 हो गया गाइस। तो गाइस फटाफट से चलते हैं अपने घर की ओर, और देखते हैं अगर कम होगा तो फिर आ जाएंगे, नहीं तो सामने भी पड़ा हुआ है। ओ घास आंटी दिख गई यहाँ से, दिख गया।
पढ़ते हो यार उस पे। घास टांटी, घास टांटी। ओए पढ़ा वहीं पे। ओए मारना नहीं सबको, दिमाग खराब हो जाएगा इनका। यहाँ पे आग जल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लावा होगा। नहीं लावा नहीं है, क्योंकि आग जलने का मतलब ये होता है कि लावा है आसपास। ये बुझाए। अरे बड़ा जल्दी बुझ गया। कहाँ गया पोर्टल? वो रहा पोर्टल, वहाँ पे चलते हैं। नीचे लावा है, अगर यहाँ पे गए तो मरे। ए मारा क्यों? मारा क्यों? मैं गोल्ड तो पहना हूँ गाइस, मैं गोल्ड तो पहना हुआ हूँ, मारे क्यों मेरे को ये लोगों? कितना छोरे, बाप रे लग रहा है भाई इनकी सेना है। हाँ तो गाइस फटाफट से चलते हैं यहाँ से ऊपर, वो कुछ ब्लॉक्स तोड़ लेते हैं। ओके जैसे दिख रहा है हम पहुंच चुके हैं। हाँ तो एंटर होते हैं इसके जरिए। ओके गाइस पहुंच चुके हैं। अरे रात हो गई यार, चल के सोते हैं। गंदा बच्चा है, गंदा बच्चा रात में नहीं सोते। चलो भाई तो फटाफट से गाइस चल के पास सोते हैं और सुबह करते हैं और देखते हैं, डिसाइड करते हैं अपना घर का थोड़ा लेआउट। स्विमिंग पूल बनेगा भाई, टेरेस बनेगा भाई, अभी बहुत चीज़ें बनेगी। सैंड अभी स्मेल्ट करके उसका ग्लास पेन बनाना है। कहाँ गया? तो ये होगा अपना एरिया, भी बना के देखते हैं क्या बन सकता है इसका। नेदर आ चुका तो है, अब इसका क्या बनाए? ऐसे कुछ बनेगा, ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज ठीक है। और ये अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ठीक, तो एक काम करते हैं ब्लॉक्स ऑफ क्वार्ट्स बना लेते हैं एक बार। तो गाइस मैंने देखा इतने, सिर्फ दो स्टैक भी नहीं बन पाए यार ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स। अबे यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। अब इसको बनाए कैसे? इसको अगर हम लेआउट करें तो इतने एरिया में मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से इसको यहाँ तक बनाऊँ। कैसे बनाए, कैसे बनाए? ठीक है चलो गाइस बनाना शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। इतना एरिया हम रखेंगे, और इतना एरिया रखने से पहले एक काम करते हैं ना गाइस, एक बार हम अपना इसका बाउंड्री कर देते हैं। तो बाउंड्री यहाँ से कहाँ से शुरू किया जाए, कितना बड़ा बनाया जाए? यहाँ से करते हैं ठीक है। हाँ ठीक है, रुको रुको रुको, बस बस ठीक है ठीक है। मेरे ख्याल से ना ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स थोड़ा और लाना पड़ेगा, इतना तो चलेगा नहीं मेरे को भी मालूम है। और यहाँ से ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ठीक है ले आते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे, बाप रे तो इतने में भाई ख़त्म हो रहा है ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स। और मेरे को ना इसका सिमेट्री चेंज करने को, 1 2 3, बाप रे ख़त्म हो गया। हे भगवान, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस आई थिंक सिमेट्री, मतलब आई थिंक सो बराबर सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन हाँ है ये थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल बन गया है। अब मेरे को बनाना है दीवार। दीवार कैसे बनाए? दीवार सोचना पड़ेगा क्या करूं, कि अगर मैं दीवार को कुछ अच्छा लुक दूं, या पूरा सफ़ेद ही बना देते हैं ना, लेकिन सफ़ेद भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या किया जाए? कैसे एक आइडिया आ गया, मैं अपने घर को ना
लेयर्स में बनाऊंगा, ऐसे करते हैं कि अपना घर ना लेयर्स में रहेगा। हाँ ये ठीक है, लेयर्स में रहेगा। तो गाइस क्या करना होगा, थोड़ा बहुत हमें नेदर से नेदर क्वार्ट्स और लाने पड़ेंगे। तो गाइस चलते फटाफट से नेदर और नेदर क्वार्ट्स, या तो एक काम करते हैं ना, नेदर क्वार्ट्स ले ही आते हैं, क्योंकि कौन फिर से उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा। हाँ गाइस में फटाफट से चलते हैं नेदर और वहाँ से आते हैं नेदर क्वार्ट्स। ओके गाइस तो मैं नेदर से आ चुका हूँ और गाइस बहुत दिमाग खराब हो गया। और गाइस एक्सपी नहीं बढ़ रहा है यार, बहुत दिक्कत हो रही है, सारा मेंडिंग खा जा रहा है इतना एक्सपी। और मेरा पिकेक्स बताऊँ उसी में रिपेयर हो रहा है। ठीक यार मेरा एक्सपी बताऊँ बढ़ा ही नहीं। चलो अरे 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 नीचे मत जाना, टॉर्च मत फैलाना। चलो ठीक है, तो कुछ तो मैं लेके आ चुका हूँ नेदर क्वार्ट्स, तो फटाफट से नेदर क्वार्ट्स को बनाते हैं, उससे बनाते हैं नेदर के ब्लॉक, सॉरी नेदर क्वार्ट्स ब्लॉक, और देखते हैं कितना बना। ऐसे अरे ऐसे 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 और ऐसे, कितने बने, 52 यार, वही बन रहा है। चलो तो कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले से तो मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ही ले आया हूँ, और ये 6 और ये हो गया, इसको बाकी को फेंक देते हैं या बचा के रखते हैं, फालतू फ्री का थोड़ी ना आता भाई, मेहनत से आता है। चलो तो फटाफट से इसको भी रखवा लेते हैं अंदर, कहाँ गया, इसको इधर रखवा लेते हैं, और इसको रखवा देते हैं इसमें इसमें और इसमें, और ये रहा। हाँ तो भाई मेरे पास कितने डीप स्लेट ब्रिक्स पड़े हुए हैं, क्या डीप स्लेट ब्रिक्स से बन सकते हैं? डीप स्लेट क्या, मैं क्या कहूँ, ब्रिक्स कस्मा को नहीं, मुझे कहना फिर से नया से माइन करके लाना पड़ेगा। इधर भी नहीं है ना, वह चलना पड़ेगा अंडरग्राउंड Y11 पे, समझ सकते हो। चलो इसको तो मैं बाद में भी सही करूँगा, Y11 पे चलते हैं गाइस फटाफट से। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं जहाँ 1500 से 200, 1500 से 2000, यानी 1500 से 2000 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिट्टी और राख गिरा था। चलो तो यहाँ से फटाफट से चलते हैं नीचे। ओ MLG, MLG प्रो यार, ए MLG। चलो रुको, पहले मेरे पास हाथ में टॉर्च होना चाहिए, टॉर्च को रखो यहाँ पे, इसको रखो F पे। हाँ चलो माइनशाफ्ट हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस, और यहाँ पे खतरों से खेलना मतलब अपने मौत से खेलना। आ जा आ जा बेटा ऊपर, रुक जा, कौन बेटा भाई, चलो कोई नहीं, पहले जगह जगह ना रोशनी करके चलता हूँ। गाइस ये देखो इसके अंदर अपना, यहाँ से एक फार्म जा रहा है, ये देखो ये देखो, ये देख रहे हो सीढ़ी, ये फार्म जाना है। गाइस हमें और नीचे चलना है, रुको पहले मैं देख लूँ यहाँ से। ए हाँ क्रीपर वीपर बाबा है नहीं ना, हाँ आ जा मेरे पास। चलो तो यहाँ से चलते हैं, हाँ चलो गाइस यहीं से, यहीं से अच्छा मौका है, माइन करके चलते हैं। मैं रिस्क लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जब अगर मेरे नीचे आ गया भाई, नीचे क्या है, कोल के तार है क्या, हेलो बै। चलो अरे ये नहीं चाहिए गाजर, गाजर नहीं चाहिए। पहुंच गया गाइस, ओके हाँ चलो ड्रिप स्टोन वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। तो मैं कुछ कचरा पट्टी यहाँ पे फेंक देता हूँ और नीचे चलते हैं। हाँ चलो यहाँ पे आगे और कचरा पट्टी यहाँ पे फेंक देते हैं। हाँ क्या क्या कचरा पट्टी, ये फेंको, ये गाजर किसी काम का नहीं होता। और ये क्या, मैं ये क्यों पहन के घूम रहा हूँ, छी थू, मैं उनके सामने बनता था कि मैं वो। चलो गाइस तो फटाफट से मिलते हैं ये पूरा माइन करने के बाद। ओके गाइस तो मैं आ चुका हूँ और ये लास्ट में चिमकांडी, लास्ट में चिमकांडी जो मिलते हैं ना दिमाग खराब हो जाता है, मैं सही बता रहा हूँ। किसी दिन इनको रगड़ रगड़ के इनका ना, हाँ इनका तो है ही। ओ माय गॉड, ए क्रीपर मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं आना क्रीपर जी। हाँ मार ले,
मार मार, जितना मारना मार बेटा मेरा। एक फटका और तेरा दिल हटका। चलो क्या, फटाफट से एक बार चल के सो लेते हैं, क्योंकि रात में अच्छे बच्चे सोते हैं। यहाँ पे जाओ। मैं गुड नाइट। ओके गाइस, सुबह हो चुकी है। अब हम चलते हैं घर बनाने की ओर। तो घर बनाने से पहले इसको, पहले रुको, इसको, इस चिमकांडी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लो ए, हाँ जा जा आसमान में। चलो तो इसको अब बनाना है डीप डीप स्लेट का, ये वाला डीप स्लेट टाइल बना के, ये पॉलिश डीप स्लेट ये बनाना है हमें। ए अच्छा, वो गोलम मरा, ठीक है। तो बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। और ये बन गया गाइस। चलो देखिए, इतना की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो बनाना शुरू करते हैं। अब बनाए कैसे याद नहीं आ रहा है। पैटर्न रखते हैं ना, एक पैटर्न। रुको, इसको पहले क्या रखें, डेविल्स बो हटाओ, क्योंकि अभी रात नहीं हुआ है। डेविल्स बो एक्टिव होता है जब रात में। और ये रखो इसको ऐसे, और ये रखो टोटम। टोटम यहाँ पे होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास है अभी डायमंड आर्मर। अब इसको बनाते हैं एक पैटर्न। अच्छा, उस पैटर्न के, अच्छा पैटर्न कैसे बनाते हैं, रुको यहाँ से सोचने दो। कुछ इस टाइप से, और बगल में रहेगा, है ना, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से। हाँ यहाँ से शुरू करते हैं। ये लो और ये लो, और कैसे रहेगा, ऐसे ऐसे। हाँ बीच में वाइट, और इधर नहीं, बीच में वाइट कहाँ रहेगा, हाँ बीच में वाइट रहेगा, और ऊपर भी वाइट, और ऐसे। अबे गंदा, बहुत गंदा लग रहा है ये। कहाँ, ये कौन सा पैटर्न है भाई। वाह, एफिशिएंसी 5 की पावर, ये बहुत गंदा लग रहा है। इसको ऐसे तोड़ो यहाँ पे, और ये लगाओ कुछ इस टाइप से। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही बनाते हैं, इतने हाइट का रखते हैं। फिर रखो, ठीक है ना, फिर रखते हैं इसका पैटर्न, इसका इसका और इसका इसका इसका, नहीं इसका नहीं होगा। एक सेकेंड, देखने तो कैसे बनाया, पैटर्न में कन्फ्यूजन बहुत हो रही है। नहीं तो वही वाला पैटर्न बन गया। नहीं, बीच वाला काला रहेगा, बीच वाला तो काला ही रहेगा। किस एंगल से मैंने बनाया, चलो बीच वाला काला। तो करते करते आएगा गाइस, ये तो मैं पहली बार बना रहा हूँ घर। और ये रहेगा कुछ इस टाइप से, और इस टाइप से, और ये रहेगा। मैं भूल रहा हूँ यार, कन्फ्यूज़न बहुत हो रही है पैटर्न में। कुछ इस टाइप से, नहीं ये भी गलत बना दिया, शिट। यहाँ पे लगना चाहिए था काला। अरे तू क्यों गिर गया नीचे, चलो कोई नहीं। यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, ओके गाइस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको भी तोड़ के ना यहाँ पे काला वाला लगा देते हैं ऐसे। ये तोड़ो, ये तोड़ो, और ये तोड़ो, और यहाँ पे लगाओ सफ़ेद वाला। कॉस्ट कटिंग करो हर जगह, जितना से जितना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करेंगे ना गाइस, मज़ा उतना ही आएगा। चलो गाइस, तो ये हो गया पैटर्न। अब इसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। वाला है ये,
ओके गाइस, फाइनली हो चुका है। टाइम बहुत लग गया, टाइम बहुत लग गया है यूज़। अब हमें बनाना है दीवार, दीवार बन गया है। अब ये इसको ऐसे कवर कर देते हैं, बस कुछ इस टाइप से ये बन चुका है। छत बनाना है और बस ये बेस भी कंप्लीट करना है। तो गाइस फटाफट से चले चल के सोते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और छत कंप्लीट करना है और ज़मीन भी, बस देखो पहले देख लूँ। हाँ और पड़े हुए हैं। हाँ गाइस फटाफट से चल के पहले सो लेते हैं। ओके अब इसका बेस कंप्लीट करना है ये। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसको पहले खोदना पड़ेगा। चलो गाइस खोदते हैं ऐसे। ओके गाइस अभी मैंने थोड़ा खोद दिया है लेकिन अभी मेरा मन नहीं है अभी इसको करने का। तो गाइस अभी ये था पार्ट वन घर का। पार्ट टू में ये घर पूरा बन जाएगा बहुत अच्छा वाला। तो गाइस वेट करिए पार्ट टू का। जब तक पार्ट वन आप देख लीजिए, पार्ट टू आएगा बहुत जल्दी। इसके बस जब ये वीडियो पोस्ट रहेगी उसके बस जस्ट क्विक इसके वाले वीडियो मैं इसका बना लूँगा। ओके गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा कर लिया है। अभी आधा अधूरा काम है ये अभी खोद के करना और छत बस, और शिफ्टिंग करनी है सामानों का तो हो जाएगा अगली वीडियो में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। Thank you.